Well, it was yet another successful chase for Islamabad United, and this time it was Fahim Ashraf hitting those winning runs. Azam Khan and him having that partnership once again. And in the end, they made it look easy. Islamabad United are the masters of the chase. Sarfraz Ahmed, disappointed once again. It's been an overall disappointing season for Koira Gladiators. Hello and welcome to Pitside. It's great to be back here. Islamabad United winning once again. And what a fantastic chase. They seem to be the best team in the HPL PSL when it comes to chasing. Let's not forget, they have qualified for the playoffs. That is the big news today. And many congratulations to them. And because we're talking about Islamabad United, with me in my studio, I've got somebody who's integral to the success of Islamabad United over the years. Shadab Khan ne me joined kiya hai. Saath Aruj Mumtaz hai, Shadab. यानी अगर 300 भी टारगेट होगा तो इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस कर लेगा। बिस्मिल्लाह मान रहे हैं। नहीं, हम 90 पे भी ऑल आउट हुए हैं, वो भी ना बोले चेस करते हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए हमारी स्ट्रेंथ है, बैटिंग में डेप्थ है, तो उसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि चेजिंग पे जाएँ। लेकिन जिस तरह के अभी हमारे इस साल डेथ आई है हमारे बॉलिंग में भी, अभी तक वैसे शो नहीं कर पाई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बॉलिंग ऐसी नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली इतना स्कोर खाए। अच्छा, एक पॉइंट ये था कि जब 180 कर लिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने और काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप्स भी थी, उमर अकमल ने भी स्कोर किया, उनकी तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, इजादरान थे, तो उस वक्त जब हुआ हाफ टाइम पे मोमेंटम लग रहा था शायद क्वेटा के पास चला गया, बट क्या डिस्कशन हुई उस ब्रेक में, आपने क्या कहा लड़कों को? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार स्कोर है 196। एक तो आपने चेयर ऐसी लगाई, मैं घूम ही जा रहा हूँ। मैंने नहीं लगाई, आपने नहीं लगाई। 196 पार स्कोर है, और लेकिन मुझे लगता है जिस तरह का हमारा स्टार्ट हुआ था, इतना स्कोर होना नहीं चाहिए था। उसमें भी मेरी मेन रीज़न मेरे ख्याल से मेरी बॉलिंग थी, क्योंकि एज ए लेग स्पिनर आपको मिडल ओवर्स में आउट करने चाहिए, और वो मैंने नहीं किए, जिसकी वजह से उनको वो सेट हो के आपको जब भी आप डेथ ओवर में जाएंगे, सेट बैट्समैन जाएगा, तो वो बहुत डेंजरस होता है। वैसे भी रोज, आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की क्या चीज़ अभी तक अच्छी लगी है, जितना भी आपने HPL PSL देखा? खेलते हुए मुस्कुराते हैं, इन्जॉय करते हैं। ऑनेस्टली आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू, बट एटलीस्ट इट अपीयर्स टू बी। लगता है ऐसे ही कि जब ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं, इन्जॉय करते हैं, और उसकी रीज़न है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को वो सेफ्टी नेट या कुशन दिया हुआ है कि जाएँ और अपनी गेम खेलें, हम आपको बैक करेंगे। तो वो जो फियर ऑफ फेलियर का एलिमेंट है, वो प्रॉबली बाकी टीमों के मुकाबले में इनकी टीम में प्रॉब्ली उतना नजर नहीं आता। शायद आप प्रॉब्ली कंफर्म कर सकते हैं इस बात को, बट बज़ाहिर लगता है ऐसा ज़रूर है कि आप लोग इन्जॉय करते हैं। डेफिनेटली देखिए, मैं उनसे जो एज ए कैप्टन, मेरी सिर्फ उनसे ये डिमांड होती है कि आपने इंटेंसिटी जो आपकी है वो लो नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा क्योंकि हम फेलियर्स अप्रोच के साथ खेलते हैं, तो उसमें फेलियर्स भी आएंगे। जिस तरह आपने देखा कि हम 90 पे ऑल आउट हुए, और मैं पिछले साल से ये बात कर रहा था कि हम जिस तरह खेलते हैं, कोई ऐसा मैच आएगा जिसमें हम 100 पे ऑल टीम आउट हो जाएगी, लेकिन हम उस चीज़ को बैक करते हैं। हम फेलियर्स क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम स्मार्ट क्रिकेट भी आपने देखा होगा, इतनी ज़्यादा नहीं खेलते, लेकिन जब भी हम खेलते हैं तो उसके बाद ये रिज़ल्ट आ ही जाता है। क्योंकि जिस तरह की आज पार्टनरशिप हुई है, आज़म ने अपनी गेम चेंज की, फ़हीम ने अपनी गेम चेंज की, क्योंकि हमें पार्टनरशिप चाहिए थी वहाँ पे, और उन्होंने हमेशा स्पेशली मैं फ़हीम की जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो एंकर रोल होता है, हमेशा फ़हीम ही निभाता है। और मैंने उससे जब मैच ख़त्म भी हुआ, मैंने उससे कहा कि यार सॉरी, क्योंकि हमेशा हम तुझे ना प्रेशर सिचुएशन में ऐसे बैठे देते। जनाब वैसे एक बात है, जो भी इस कुर्सी में आके बैठते काफ़ी स्मार्ट बातें करना शुरू कर देता है, मतलब स्मार्ट क्रिकेट के साथ आप लोग स्मार्ट बातें भी करना शुरू कर दिए आप लोगों ने। अच्छा वैसे ये बताएं कि शादी के बाद जो तो सुबह से आपने कोई शादी का एंगल पहले बाजी के पीछे लगी हुई थी, शादी की हर चीज, शादी का ताल्लुक नहीं इस बात से, शादी का ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, स्टोरी डन। अच्छा ये बताएं कि आप लोग जिस अग्रेसिव अप्रोच और माइंडसेट की बात करते हैं, उस किस्म के प्लेयर्स भी होना जरूरी है, कितने एज अ कहते हैं ग्रुप कह लें, जो आप लोगों का डिसीजन मेकिंग ग्रुप है, ऐसे प्लेयर्स होना कितना फायदा, क्योंकि माइंडसेट की या अप्रोच की या अग्रेसिव इंटेंट की कितनी भी बात कर लें, अगर वैसे प्लेयर मौजूद ना हो जो उस माइंडसेट को समझें या उसको एक्सेप्ट करें, तो कितना मुश्किल हो जाएगा? डेफिनेटली, लेकिन मेरे ख्याल से ये मैनेजमेंट का और जो कैप्टन का रोल होता है इसमें बहुत अहम किरदार होता है। जो हमारी अप्रोच है उस हिसाब से हम, वैसे तो प्लेयर हम वो उसी हिसाब से लेते हैं, लेकिन जो क्योंकि मेरे ख्याल से एज ए नेशन हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं, अगर हमें वो जो अग्रेसिव हैं वो जो हम अंदर से हैं वो हम बाहर भी निकालना चाहते हैं, तो हमारे प्लेयर से यही बात होती है, क्योंकि एज ए नेशन हमारी
मोस्टली 95% हम एग्रेसिव लोग हैं, तो जो चीज़ हमारे में नेचुरली आई हुई है तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो अप्लाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लेयर का होता है जो कंसर्न होता है उसका मेन कंसर्न ये होता है कि जब वो फेल होगा तो उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। और कोई ऐसा टूर्नामेंट होगा जैसे जिस तरह पॉसिबल है कि अगर हम अगला टूर्नामेंट ऐसा खेलते हैं तो उसमें शायद हमारी पूरी टीम ऐसा परफॉर्म ना करे, लेकिन स्टिल हम उसको बैक करेंगे, क्योंकि जब आपने एक चीज़ डिमांड कर रहे हैं किसी से भी, उसमें फेलियर तो आएंगे। जिस तरह इंग्लैंड की टीम करती है डेफिनेटली, आपने आप जो चीज़ आप अगर किसी प्लेयर को, जिस प्लेयर का स्ट्राइक रेट 70 है लेकिन उसकी एवरेज 60 है, अगर आप उसको कहोगे आप स्ट्राइक रेट 95 पे लेके जाओगे, डेफिनेटली उसकी एवरेज कम आएगी, क्योंकि वह अपनी टेक्निक चेंज करेगा, वो चांसेस ज़्यादा लेगा, उसमें आउट होने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन हम लोग फिर एट द एंड ऑफ द डे एज ए नेशन हम परफॉर्मेंस भी मांगते हैं और हम मॉडर्न क्रिकेट भी मांगते हैं। अच्छा, हसन अली की काफ़ी शिकवा है, वो कह रहे हैं जब से इसके पास शादी हुई है इसके पास टाइम ही नहीं है हमें देने के लिए। मतलब आपने, वो कहते ना शादी के बाद इंसान बदल जाता है, तो आप तो रोटी गैंग से एग्जिट हो गए बेचारा। एक महीने में ही आप आपने आपके तेवर बदल गए। सीरियस जवाब देने लगा है। नहीं, मैं सीरियस वैसे देने लगा था, बहुत अच्छा जवाब था, लेकिन मैंने ना अभी आपको दिया नहीं। नहीं नहीं, दे दे, बता दे, ये आपका शो है, आप बता दे। यही 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 तो जवाब चाहिए। नहीं नहीं, ये वाला जवाब सच बात नहीं। वैसे हर बात शादी पे क्यों आ रही है? आई एग्री, आई एग्री, क्योंकि अभी मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, इसका मतलब मेरी शादी से कोई ताल्लुक नहीं है। अब परफॉर्मेंस नहीं हो रही, नहीं हो रही, अब इंसान को शादी भी नहीं करनी चाहिए। आपको आपको क्या लगा, आपने जब शादी किया, शादी के बाद आपको ज्यादा तरक्की? मेरी परफॉर्मेंस और अच्छी हो गई, अच्छी हुई ना मेरी शादी के बाद, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए मेरी तो हर तरीके से। बहनों और भाइयों, ये क्रिकेट का शो है। मैं वही कह रहा हूँ, क्रिकेट का शो है, क्रिकेट की बात करें, मैं परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, वो बात करें। उनकी उंगली में मसला है, बता दें आप। नहीं, उंगली में आप एक्सक्यूज आपने कहा, क्यों दे रही हैं? नहीं, आपने उस दिन कहा था कि ऑन अ सीरियस नोट, उस दिन आपने कहा था कि इट इज नॉट 100%। नहीं, स्टिल इट्स नॉट 100%, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल मेरी रिकवर हो चुकी है, लेकिन मेरी जो फिजियो से बात हुई है वो थोड़ा सा पेन, और क्योंकि आप फील्डिंग करते हो तो आपको हमेशा उसी हैंड पे, मेरा वही राइट हैंड है, उस पर बॉल लगता है, और बैटिंग में अगर जो कि मेरा नहीं हो रहा हर टाइम, बॉटम या स्टिकर पे बॉल लगे तो उस टाइम भी दर्द होता है, मिडल नहीं हो रहा तो उस टाइम भी थोड़ा सा होता है, लेकिन रिकवर हो चुकी है, लेकिन वो टाइम लेगी, क्योंकि मैंने एक तो प्रैक्टिस में नहीं था, मेरे ख्याल से 1.5 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने डायरेक्ट आके PSL खेले, कोई प्रैक्टिस नहीं की, वो वजह भी मैंने तो ये सोचा था जब आप प्रैक्टिस नहीं करते ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हो लेकिन वैसा हुआ नहीं है, लेकिन स्टिल अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है टूर्नामेंट में, अभी काफ़ी लंबा है। चलें, थैंक यू शादाब सो मच आपके टाइम का, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और हम बिरयानी खाने आएंगे। नहीं, वैसे शादी की बिरयानी खाने, ये आप बता दें कि शादी का सवाल हमेशा नहीं होने। शादी में बुलाया नहीं, आपको नहीं बुलाया था, कितनी बुरी बात है। नहीं, मेरे पास आपका नंबर नहीं था, मैंने जिसको मैंने बुलाया वो आई नहीं थी और उसने सलामी भी नहीं दी अभी तक। नहीं, सलामी रखी, सलामी रखी, बुलाया था। अच्छा, सही, मगर वैसे गलत बात है ना। नहीं, आपको नहीं बुलाया, आपने मुझे नहीं बुलाया, नहीं, आपका खाना मैं पे ड्यू, इनको नहीं बुलाया, क्योंकि जिसको मैंने बुलाया वो आए भी नहीं, वो सलामी भी नहीं दी, और बातें भी सिर्फ शादी की हो रही हैं। आपकी फैमिली ने हमें बिरयानी की दावत दे दी है, हमारी फैमिली तो अच्छी है, बिरयानी खाने, हमें नहीं पता आप बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर हैविंग। हम हंसी मजाक तो करते रहते हैं, बट वी एक्चुअली वांट कि आप वापस अपने उसी तरह फॉर्म में आए जिस तरह से हम आपको देखते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, एंड इतना अच्छा चल रहा है कि कोई भी टारगेट दे दे तो दे कैन चेज इट डाउन। पिछले मैच में ओवर 200, इसमें भी जो है अच्छा उन्होंने चेज किया, फहीम अशरफ, हर बंदा अपना रोल निभा रहा है, दैट्स व्हाट वी सी फ्रॉम इस्लामाबाद। एनीवे ऑन दैट नोट, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी बैक जस्ट इन अ बिट।